तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज सुबह पता है क्या हुआ? सुबह मतलब मैं सो रही थी गहरी नींद में, और अचानक ही मेरे कानों में जोर जोर की घंटी की आवाज़, टन 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 करके घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी अचानक आँख खुली, फिर मैंने देखा यार, मैं फिर उठी, उठ के मैं बाहर आई। मैंने कहा मंदिर में तो पर्दा लग रखा है और मंदिर तो बंद है, फिर घंटी तो अभी पंडित जी ने बजाई नहीं। फिर देखा तो ये तो प्रभु जी का संकेत है कि उठ, चल, खड़ी हो और पूजा पाठ कर। फिर मैं जल्दी से उठ के मैंने पहले बड़े कमरे में, जहाँ हमारा मंदिर है ना, यहाँ पर ये बड़े कमरे में हमारा मंदिर है, फिर मैंने उठ के सारा झाड़ू पोछा करा। सब कुछ करने के बाद फिर मैंने प्रभु जी को नहलाया, सभी प्रभु जी को नहला धुला के, इन्हें बैठा के शांति से इनकी पूजा की। फिर पंडित जी आए भाई 5:30 बजे। मतलब पंडित जी कहीं जा रखे, कोई है मोहल्ले का, उनको देकर गए चाबी, तो वो आए 5:30 बजे। और इस प्रकार से मतलब भगवान जी का एक संकेत होता है कि जो कोई उठता नहीं है ना, और जो कोई पूजा करता है और अचानक उठ नहीं पाता, तो भैया मेरे तो अधिकतर मेरे कानों में घंटी की आवाज़ आ जाती है। देखो ये भी बाहर जा रही है, ये भी जा रही है बाहर, क्योंकि बाहर आ चुके हैं डॉग, वो बंदर। तो गाइस, आजकल मेरा ब्लॉग बनाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी कि मेरा मन कर जाए, क्योंकि यार कभी 10 व्यूज़ आ रहे, कभी 4 व्यूज़ आ रहे, कभी 5 व्यूज़ आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी।